पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी नेता साइकिल से संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साइकिल पर वस्तुओं के बढ़े हुए दामों को दिखाया। आसमान छूती महंगाई को लेकर विपक्ष के नेता विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी साइकिल चलाते हुए संसद पहुंचे। उन्होंने साइकिल पर आगे की ओर एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर रसोई गैस के सिलेंडर की तस्वीर थी और इसकी बढ़ी हुई कीमतें लिखी हुई थी। बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी ने महंगाई के विरोध में संसद तक साइकिल मार्च का सुझाव दिया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने आम जनता की आवाज उठाई है। लोग महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं लेकिन सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। कांग्रेस संसद के भीतर और बाहर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।